हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक होगे। तो दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक होगे। दोस्तों हमारे मास्टर केज में चूहा आ गया है। ये चूहे बहुत दम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे मास्टर केज में सारे बर्ड्स को देखिए, यहाँ पर बैठे हुआ है, इसको मैं पकड़ के छोड़ दूंगा। ये चूहे बहुत दम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे बजीज को भी, बजीज के चीक को भी शायद यही जख्मी किया था। चलिए इसे पकड़ के हम बाहर छोड़ देते हैं। अब दोस्तों मैं एक बार अपने वजी की आज हेल्थ चेक कर लेता हूँ। कल तो इसे थोड़ा जख्म हो गया था, तो मैं थोड़ी हल्दी लगा दिया था इसके जख्म के ऊपर। देखेंगे इंशाल्लाह ठीक होगा वो। दोस्तों माशाल्लाह से ठीक है, थोड़ा जख्म इसके सूख रहे। दोस्तों कल हम हल्दी लगा दिए थे, इसी वजह से माशाल्लाह से थोड़ा ठीक हो गया है। मैं इसे अब भी लगा दूंगा थोड़ी सी हल्दी। दोस्तों मैं 100 फुट में अपने बर्ड्स को थोड़ी सी वीट ग्रास दे रहा हूँ, यहाँ पर डाल दूंगा। हमारे बर्ड्स वीट ग्रास बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों ये सूख के बाद ये भी नेस्टिंग मटेरियल हो जाएगा हमारे बर्ड्स के लिए। आप देखिएगा, आप थोड़ी देर में आके हमारे बर्ड्स ये खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीट की ही होती है, वीट से ही उठती है। ये हमारे लव बर्ड्स को और पैरट्स को और कॉकटेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों आज शायद हमारी बजी ने उम्मीद है एक ले कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों आज भी हमारी बजी ने एक ले नहीं किया है। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है, 10-15 डेज से तो ऐसे ही रह रही है। दोस्तों मैं इसका तो कवर ऊपर का हटाना ही भूल गया, क्योंकि सर्दी है, मैं इसी वजह से नहीं हटा रहा था। दोस्तों इसको अच्छे तरीके से कवर करके रखा था। इसे भी थोड़ा वीट ग्रास दो, दो बेचारी को अकेली रख दिया हम इसको। दोस्तों हम इसे भी थोड़ा सा वीट ग्रास दे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गई, मैं थोड़ी कम कर दो। दोस्तों खासतौर से हम ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा देंगे तो हमारे बर्ड्स को मोशंस भी हो सकते हैं, इनका पेट ख़राब भी हो सकता है, इसी वजह से थोड़ा कम कर दिया हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमारा जो ये वाले लवबर्ड का पेड़ है फिशर का, इंशाल्लाह ये कुछ दिन में एग्ज लेकर देंगे दोस्तों, क्योंकि जाके बैठ रहे हैं, ज़्यादातर ब्रीडिंग बॉक्स में ही रह रही है फीमेल। मैं इसका ब्रीडिंग बॉक्स आज खोल के चेक कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से ये लोग ने नेस्ट बना लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके एग्स आ जाएंगे। हमारे जावा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर बैठे हुए, ये ब्रीडिंग तो कर रहे हैं, शायद ये ऊपर ही घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं बनाए तो ही ठीक है, क्योंकि हम उतनी ऊपर जाके देख तो नहीं सकेंगे। दोस्तों इन्हें यही कोई एक मटकी सेलेक्ट करके इसी में बनाना होगा इनका नेस्ट। देखिए दोस्तों हमारा पैरट आ गया है वीट ग्रास खाने के लिए, इन्हें ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों ये बहुत ही शौक से खाते हैं। देखिए हमारा पैरट कितने पे मज़े से खा रहा है। दोस्तों हमारे मास्टर केज में चूहे ज़्यादा हो गए, बहुत ही, मैं इनके लिए ट्रैप भी लाया हो लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों इतनी ऊपर तक चढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा चूहे इसके पीछे मटकी के। देखिए दोस्तों नीचे गया है चूहा, आप मैं इसको पकड़ लूँगा, पकड़ के बाहर कहीं छोड़ दूँगा दूर लेके जाके, क्योंकि ये हमारे बर्ड्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर है चूहा, यहाँ पर से निकलते हैं, वहाँ पे बाहर भाग जाते हैं। दोस्तों इनकी बिल वहाँ पर है, हमारे बर्ड्स को बहुत ही तंग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारे जो लवर्स है ये वाले ब्रीडिंग बॉक्स में बैठ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था पहले भी। एक बार हम इसका ब्रीडिंग बॉक्स खोल के लास्ट बार चेक कर लेंगे, ज़्यादा बार नहीं खोलेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर ये लोग। नेस्टिंग मटेरियल तो कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों हमारे बर्ड्स अच्छी तरीके से, लव बर्ड्स हमारे नेस्टिंग मटेरियल तो कलेक्ट कर रहे हैं। शायद एक 1 वीक में ये एग्स दे देंगे, इनके एग्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है हमें। दोस्तों ये जो सेकेंड वाली मटकी का पेड़ देख रहे हैं आप येलो कलर में, ये लोग भी बहुत जल्द एग्स ले करने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों आप जो बजी की नोस है बिल्कुल ब्राउन हो गई है। इंशाल्लाह एक 1 वीक में ये भी एग्स ले कर देंगे हमारे। उसके बाद सारे मास्टर केज में चिक्स ही चिक्स होंगे, एग्स ही एग्स होंगे, हमारा मास्टर केज बिल्कुल फुल नज़र आएगा आप सबको माशाल्लाह। देखिए दोस्तों हमारे बर्ड्स लव बर्ड्स और बजीज कितने शौक से खा रहे हैं वीट ग्रास, इन्हें यह बहुत पसंद है, बहुत ही मज़े से खाते हैं ये सब। हमारे सारे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों आप लव बर्ड को देखिए कितने शौक से खा रहे हैं हमारी वीट ग्रास। यहाँ तक थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल लाइफ विद पेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।